के देखो ना समयानुसार सुबह हो गई है भाई। हाँ। क्योंकि हे भाई सूरज के निकला है रोशनी जहां में छाई है चकवी चकवाया आनंद हुए कमलों को अति सुख दाई है सब सोने वाले जागे उठे जागई सरसता कमलों में पापा की कलिया चहक उठी ओ यलिया भूखी डालो हे भाई कहना है भोर भयो भैया भोर भयो भैया चिरैया प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी। आज लक्ष्मण बड़े असमंजस में पड़ गया, आज लक्ष्मण बड़े आश्चर्य में पड़ गया। विचार करता हूँ संकेत मिला है किस लक्ष्मण को अपने प्रभु की प्रभुताई के बारे में वर्णन करना है, अपने प्रभु के प्रभाव के बारे में वर्णन करना है, किंतु लक्ष्मण ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि लक्ष्मण को कौन से प्रभु की प्रभुताई का वर्णन करना है। क्यों? क्योंकि आज इस लक्ष्मण के समक्ष लक्ष्मण का एक नहीं लक्ष्मण के दो दो प्रभु हैं। पहले आप मेरे प्रभु हैं, द्वितीय आज गगन मंडल में विद्वान भगवान भास्कर मेरे प्रभु हैं। अब लक्ष्मण ये निर्णय नहीं ले पा रहा कि मुझे कौन से प्रभु के प्रभाव के बारे में वर्णन करना है, तो क्यों ना मैं एक कार्य करता हूँ, मैं अपने दोनों प्रभु की एक श्रेणी बनाता हूँ और उस श्रेणी में एक तरफ अपने प्रथम प्रभु को तो दूसरी तरफ अपने द्वितीय प्रभु को बैठाता हूँ। इससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो सभी के समक्ष में आ जाएगा। जिस समय मैंने यह श्रेणी क्रम बनाया तो पाया क्या, वह सुख दुख दोनों देता है। कौन? भगवान भास्कर। यह सुख दुख दोनों देते हैं, प्रभु सुख ही सुख के दायक हैं। आपका ये बैठ गए यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है। यह दिन भर जगता रक्षक है, प्रभु आठो पैर सहायक है। उसका भी करता ग्रास अचोर, अरे प्रभु नाश फलों का करते हैं। उसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्य उदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमलता है तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर है, आप सूर्य से बढ़कर है। नित्य क्रिया कर गुरु।